ओम शांति, ओम शांति। किसी के पास कोई प्रश्न है? हाँ हाँ, तो विधेय तो कल बताया था, आज पूछ रहे हो। हाँ समझ लिया, विधेयी कैसे बने भाई जी पूछ रहा है। ये कि हेल्थ वेल्थ के ऊपर पूछो, तो पहले ये पूछो कहाँ, तो उसके ऊपर किसका प्रश्न है तो बता। विधेयी बनने की तरीका कल बताया था कि आत्मा के जो पांच प्रश्न बताया, आत्मचिंतन करते हो तो विधेयी बनते हो, वो छोड़कर शरीर का चिंतन करते हो, मुझे भूख लगी, खाना खाना चाहते, चाय कहाँ मिलेगा, इसने ऐसा किया, उसने, ये सब चिंतन करते हो, ये देही अभिमानी बनाता है, देह अभिमान बनाता है। देहधारी के विचार करते हो तो देह अभिमान में आए। आत्मा का चिंतन करते हो, आत्म अभिमानी बनते हो, विधेयी बनते हो, अशरीरी बनते हो, अव्यक्त बनते हो, अलग अलग नाम है। सिर्फ 5 मिनट आत्मचिंतन करो। आत्मचिंतन कैसे करना कल बताया, मैं कौन, बुद्धि जवाब देती है, मैं आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूँ। मेरा रूप एक सफ़ेद चमकता हुआ सितारा हूँ। मेरे गुण, मेरे 7 गुण हैं। मेरे कर्म, मैं शरीर के द्वारा कर्म करता हूँ। 5वां, मैं कहाँ से आया, परम धाम से आया। इसका चिंतन चलता है तो आप अशरीरी बने। मैं शरीर का विचार आया नहीं, समझ लिया, ठीक है। और बताओ। हाँ लेकिन आत्मा दिखाई तो नहीं देता ना। हाँ, वो क्या करना चाहिए, आत्मा का ज्योत बुझना नहीं चाहिए। हाँ, नहीं तो क्या करे, तो उसको चलते से बाबा किया कि मैं कौन हूँ, मैं हाँ, आत्मा हूँ। वो तो सदा तो नहीं होगा ना, कर्म करते सब्जी बना रहे हो आप, खाना बना रहे हो, उस समय मैं कौन हूँ नहीं होगा, योग में बैठे हुए होगा। हाँ, होगा, लेकिन तो कर्म करते समय कैसे होगा? कर्म करते समय प्रैक्टिकल में, मतलब हम उतना आदत अपनी डाल रहे हैं कि कोई कर्म कर रहे हैं तो सिर्फ मन तो कंट्रोल करने के लिए हाथ तो नहीं, बच्चे तो नहीं उसको दबागा पकड़ा, मन को कौन कंट्रोल करे? मन किसी के हाथ में है? मन में विचार रहा था, आप नहीं चाहते हो तो भी आ रहा है ना, तो क्या करे? उसका उपाय, उसका उपाय बताया था। क्या बता, आज के दुनिया में सभी के पास मोबाइल है, ना तो रेडियो है, मोबाइल के अंदर गीत आता है, अच्छा क्लास आता है, रोज मुरली आती है, तो मुरली ऑन करो और खाना बनाते रहो, कान में आवाज आता है ज्ञान का, हाथों से काम कर रहे हो, कान में आवाज आता है, बाबा ने ये कहा तो उसका चिंतन चलेगा, तो अच्छे सुनते सुनते कर्म करो। यस, तब ऐसा। हाँ, तो ये गलत विचार नहीं है, खाली मन है, कुछ कुछ आवाज नहीं, तो जरूर इधर उधर के विचार आते हैं, न चाहते भी आ जाता, किसी के हाथ में नहीं। मन, मन के हम गुलाम बन गए, मन हमारा गुलाम नहीं है, हम नहीं चाहते हुए मन में चलता है। कोई चाहते गलत विचार करना, आता तो है कि नहीं? आता है ना, न चाहते हुए आप क्या कर सकते हो? तो उसकी विधि बताया कि जब भी खाना बनाते हो, घर में सारे झाड़ू लगाते हो, सब्जी काटते हो, खाली है, कोई नहीं है, है ना, तो बाबा के भगवान को याद करो। कैसे याद करें? तो आज की दुनिया में मोबाइल है, मोबाइल में गीत आता है, गीत सुनते रहो, या अच्छा क्लास आता है, अच्छा रोज मुरली का योग क्लास आता है, सब कुछ आता है वो मोबाइल के अंदर, ऑन करके रख देना है, सुनते सुनते कर्म करो, ठीक है, चलेगा, ये कर्म योग, उसमें गलत विचार इतने नहीं आएंगे। तो जितना हो सकता है मन को कंट्रोल कर, सावधान कर सकते हो, ठीक है। और बताओ।